अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द उर्दू इन्फो। व्यूअर्स, मरने के बाद जनाजों या आखिरी रसूमात की अदायगी पर आने वाली लागत भी कम नहीं होती, लेकिन अब अमीर मुआशरों में इन जनाजों पर खर्च होने वाली रकम का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अमीर मुआशरों के जनाजे भी उनके शहाना तर्ज जिंदगी की ही एक झलक होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे अफराद के बारे में बताएंगे जिनकी आखिरी रसूमात की अदायगी पर सबसे ज्यादा रकम खर्च की गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, माइकल जैक्सन। आलमी शोहरत याफ्ता अमेरिकी गुलूकार माइकल जैक्सन की मौत सन 2009 में वाकिया हुई थी। माइकल जैक्सन की आखिरी रसूमात की अदायगी पर $1 मिलियन की लागत आई, जबकि लॉस एंजलिस की हुकूमत ने इसके अलावा $1.3 मिलियन खर्च किए थे। हुकूमत ने ये रकम इस जनाजे की लाइव कवरेज के लिए खर्च की थी, क्योंकि ये जनाजा लाइव टीवी पर दिखाया गया। $25,000 की मालियत का तो सिर्फ वो सोने का ताबूत था जिसमें रख कर माइकल जैक्सन को दफन किया गया। नंबर टू, मार्गरेट थैचर। ये पहली बरतानवी खातून वजीर आजम थी और इनका इंतकाल 8 अप्रैल सन 2013 को हुआ। उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी सरकारी इजाज के साथ की गई। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी पर $5.3 मिलियन की रकम खर्च हुई थी। उनकी आखिरी रसूमात कैथेड्रल के सेंट पॉल चर्च में अदा की गई, जिसमें 2000 अफराद ने शिरकत की थी। नंबर थ्री, प्रिंसेस डियाना। शहजादी लेडी डियाना की मौत सन 1997 में पेरिस के एक कार हादसे में हुई थी और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सानिया था। उस वक्त शहजादी डियाना की उम्र 36 साल थी। लेडी डियाना की आखिरी रसूमात की अदायगी टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की गई, जिसे दुनिया भर में 2.5 बिलियन अफराद ने देखा। उस वक्त उन रसूमात की अदायगी पर $6.6 मिलियन की रकम खर्च हुई, जो कि आज के हिसाब से $10.3 मिलियन बनती है। नंबर फोर, पॉप जान पायल दोयम। पॉप जान पायल दोयम की मौत सन 2005 में वाकिया हुई और ये 1978 से लेकर सन 2005 तक, यानी अपनी मौत तक कैथोलिक चर्च के सरबराह रहे। उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी में तमाम रियासतों के सरबराहों ने शिरकत की। इन सरबराहों में 70 सदर और वजीर आजम, 5 मलका, 4 बादशाह और 14 दीगर मजहबी अफराद भी शामिल थे। इन रसूमात की अदायगी पर $11.9 मिलियन की खतीर रकम खर्च की गयी। नंबर फाइव, क्वीन एलिजाबेथ दी क्वीन मदर। मलका एलिजाबेथ का इंतकाल 101 साल की उम्र में हुआ और उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी को भी टीवी चैनल पर बराह रास्त नशर किया गया। सन 2002 में इन रसूमात पर $9.1 मिलियन की रकम खर्च की गई, जो कि आज के हिसाब से $12.5 मिलियन बनती है। इस मौके पर बरतानिया में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई थी। नंबर सिक्स, जॉन एफ कैंडी। अमेरिकी सदर जॉन एफ कैंडी को 22 नवंबर सन 1963 को एक कातलाना हमले में उस वक्त हलाक किया गया जब वो दलास में थे। इस खबर ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सदर की लाश को वाशिंगटन डीसी लाया गया, जिसके नज़ारे के लिए वहां लाखों लोग मौजूद थे। उस वक्त उस अमेरिकी सदर की आखिरी रसूमात की अदायगी पर जितनी रकम खर्च हुई वो आज के हिसाब से $15 मिलियन बनती है। नंबर सेवन, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अलेक्जेंडर की मौत 303 किबल मसीह में वाकिया हुई और उस वक्त अलेक्जेंडर की आखिरी रसूमात की अदायगी पर जितनी रकम खर्च हुई आज के हिसाब से $60 मिलियन बनती है। अलेक्जेंडर को भी सोने के ताबूत में रख कर दफन किया गया। ये सोने का ताबूत सोने से तैयार करदा भगी में रख कर दफनाया गया। इस भगी को 60 घोड़े खींच कर लाए और इस भगी को डिजाइन करने और तैयार करने में 2 साल का अरसा लगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस अरसे के दौरान अलेक्जेंडर की लाश को कैसे महफूज बनाया गया था। न्यूज ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मजीद हमारा चैनल द उर्दू इन्फो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।